जी सारिआं नूं किवें सारे एक बार फिर तो स्वागत है तुहाडा मेरे चैनल ते। वाहिगुरू जी सारिआं नूं चढ़दी कला च रखण। उम्मीद करदी हां सारे तंदुरुस्त होवोंगे। तो फ्रेंड्स अज बहुत दिनों बाद व्लॉग स्टार्ट किया है मैं, क्योंकि काफ़ी दिनों तो बिजी सी। मैं लाइव च भी दस्सिया सीगा विआह चल रहे सीगे, उहदे करके मेरे को क्लाइंट्स का भी जोर सीगा, साडे रिश्तेदारियों च भी बहुत ज़्यादा विआह सी, जिहदे करके मेरा इन्ना टाइम जिहा नहीं सी मिलदा मैनूं। तो हुण आपां हो चुके हां फ्री, मतलब विआहां तों। तो बस हुण क्योंकि सीजन भी ऑफ होने वाला ही है, इसलिए मेरा हुण काम थोड़ा जिहा घट जांदा है। तो बस फ्रेंड्स अज आपां कम कर करके बह गए हाँ, तो मीह पिया जोरों शोरों नाल। अज धुप बहुत सोहनी निकली हुई है, तो थोड़ी जी धुप सेक रहे हैं, बस थोड़े टाइम में यही धुप चुभन लग जानी। तो डेजी भी साड़ी धुप सेक रही है। डेजी धुप सेक दी हैं, ये डेजी इनू तो बस कोई काम नहीं, पई रही सारा दिन खालू पैजू। तो मैं तो अमृत फ्रेंड्स हूँ चली हाँ है किसी के घर, तो मेरे को हाईलाइट बाल आह बाल हाईलाइट करने वह मैं काम आया हुआ है, तो मैं वो उन्हों की कोई एमरजेंसी, इसलिए मैं उन्होंने घर जाके ही करना है। तो बस हूँ असी चले, अमृत हो गए रेडी, तो हूँ असी चलते उन्होंने घर तो करते हैं बाल हाईलाइट। तो उस तो बाद अमरिंदर हजे पेपर देन गया हुआ, फिर आप अमरिंदर ना करा मस्ती ज आजूगा, वो आना जाता कुछ नहीं, इसलिए उन्हें जल्दी वो आ जाना है खाली छड के पेपर। बस हूँ असी चलते हैं फ्रेंड्स, हम असी चकना है समान दुकान चो, जड़ा जड़ा चाहिए वो लै लीए। तो असी पाउन लगे हम हाईलाइट करने लई समान, तो यह डेवलपर समान साड़ी सारी पैकिंग हो गई है फ्रेंड्स। तो बस हम असी चलते हैं उन्होंने घर, तो क्योंकि मेहंदी हाँ मेहंदी भी याद आ गई, मेहंदी भी लगानी उन्होंने, इसलिए मेहंदी की कोन्स भी लै लवा मैं। तो मेहंदी का बॉक्स भी लै लिया, तो बस हम चलते हैं। तो सानू इतने लगेगा मेला का डेढ़ क घंटा लग जाना है, तो बस हम चलते हैं आप। तो फ्रेंड्स मैं तो अमृत ने सारा समान चुकया, तो घर तो तुर पे सीगे असी जान ली, तो असी घर पहुँच गए सी फ्रेंड्स। तो अमृत की हालत देखो बेचारी सुस्ती है, बोर हो जाती है मेरे नाल आके, क्योंकि इन्हें कुछ नहीं करना होंदा, बस बह के देखना होंदा। तो फ्रेंड्स ये मैं किते सी बाल हाईलाइट, तो इन्हों ना बहुत मतलब ठीक ठीक जी चाहिए सके, तो इसलिए मैं नॉर्मल जी हाईलाइट किए सी, इन्हों की कॉपर शेड दिती सी। तुसी सारे जने दस्सो किदां दा लग्या मेरा वर्क, तो बहुत सोहने हुए सी वैसे तो कैमरे शायद इदा आए हूँ, बट रियलिटी बहुत ज़्यादा सोहने लग रहे थे वाल। तो यह मेरा प्रोसैस, बस हूँ मेहंदी लगावगी। फ्रेंड्स बज गए ने पाँच, मैं हमने आई सी हजे घर, तो काफ़ी टाइम लग गया सानू, क्योंकि मेरे तो वीडियो शूट नहीं हुई, अमृत घर आ गई सी, मैं कल्ली सी, इस करके पहला उन्होंने हाईलाइट किए थे हेयर, तो उस तो बाद मैं मेहंदी भी लगाई सी, फिर थ्रेडिंग वगैरह की, तो उस तो बाद हूँ मैं पाँच बजे घर आई हाँ। तो हुण मेरा टाइम लग गया है चाह, तो नाल खाऊंगी मैं लड्डू, तो बस खाने हुण चाह ते लड्डू, थोड़े जिहा फ्रैश होने क्योंकि मेरा सिर दुखण लग गया, तो फिर मैं करूँगी थोड़ी जी रेस्ट। तो अमरिंदर पता नहीं कितने लंघ गया, आया नहीं अजे, बस आ जाए फिर उस नाल भी तुहानू मिलाउने आ। फ्रेंड्स सानू जिहड़ियां अखियां उड़ीक रही सी, मुंडा आ गया पेपर करके, पेपर तो वैसे कद्दा करके आया है, तो हुण पुछदे इहनू कहदा पेपर सी अज, इंग्लिश दा की करके आया, बस कर रहा पेपर पास, पेपर करके आए बस सारा इंग्लिश पास होने योगा। पहला क्वेश्चन की सी, पहला क्वेश्चन पहले जो सी की, दूजा की सी, दूजा भी पहले सी, हां सारे हुन पहले ही पहले आ गए, पहले सी बाकी बाकी क्वेश्चन आंसर सी,
तो फ्रेंड्स इन्हू कुछ नहीं आता है, बहुत ही ज़्यादा नलायक मुंडा है। तो कल पूरा दिन लगे रहा, पूरा दिन इनू एक क्वेश्चन भी याद नहीं होया। तो उस बारे कहना बस इधर उधर देख। तो फ्रेंड्स हमने एक मिनट तो फ्रेंड्स हमने आया कहना मेरे गर्दन की मसाज कर दो। इसके तेरी गर्दन को की हो गया भी मसाज कर दी हूँ इन्हें दसिया। And his name is John C. No. ते हाँ मैं तुम दस दी सी के ए कहना मेरी गर्दन मार दो हैं। ते इसके भी इनू की होया जेड़े ही कहना भी गर्दन मार दी है ना डेजी। डेजी भी सोचने पै गई सी है ना भी ये क्यों कह रहे हैं। ते फ्रेंड्स सानू हुण पता लग गया क्यों कहना सी, क्योंकि उत्थे नकल मार दें जरे ने देखना भी इधर उधर गर्दन घुमानी है भी की तू पुछा मैं क्वेश्चन आंसर है ना। तो सारे पेपर से वैसे उन्नू वाग आए गर्दन ही घुमाई जाता है। तो हूँ कहना मेरे गर्दन की मसाज करा दो। नलायक को कुछ नहीं होंगे, बस इन्हें होंगे भी इधर उधर कितों मिल जाए इन आंसर। सही क्या ना? बिल्कुल सही। कुछ नहीं इन फ्रेंड्स आता पता नहीं इन किमें पास कर देने सू तो कोई समझ नहीं आती। थोड़े सामने ही तो मैं पहाड़ा सुन लें ठीक है। टेबल आया आ जा भज गया दिल और भज गया चल वह सुना पंज का पहाड़ा सुना दे चल। फ्रेंड्स देख लेने बारहवीं चोना ते पांच सात ही अड़ गया की दुनिया का यह भविख है। फ्रेंड्स ये दुनिया का भविख आने वाला देख लो इन भविख न भविख खड़ा फ्रेंड्स देखो देख बहुत नलायक मुंडा फ्रेंड्स इन जिन्ना मर्जी जोर ला लो पता नहीं क्यों नहीं पढ़ता। तो टीचर भी पता नहीं इन्हू कि पास करी जाने रब जाने की बढ़ना अगे जाके गला मारदा एडी एडी हूँ तू कोई चीज़ मंगी मैं ये दवा दो वो दवा दो दवावे तेन हूँ सवा। तो थोनू हूँ बुलाने सी नन्ने मुन्ने मेहमान जो कि बहुत शैतान हो गए ने वे देख लो कहने की देर से जरा पैरों से इन्होंने ना पूरे बेड़े च कब्जा कर डेजी भी डराने तो वह भी क्लिप मैं नाल ऐड करूँगी दुद्धी वोटी हटते नहीं सारे आ मोटी मोटी भोली इन्हें नाम से भोली और रुकता जाओ यार देख लो फिर हटते नहीं भाई खड़न तो दे दो मैनू तो फ्रेंड्स ये बेचारा साऊ है ना चो है ना शाऊ काका है तो आ भोलो इन्नी खराब है बिग शो से यदा नाम रखे देखो ये सारे नाल लड़ती है ये मोटी है सारे चो तो आ देखो किमें चढ़ते हैं। तो पांच फ्रेंड्स ने फ्रेंड्स सॉरी पांच मेहमान मेरी कोटी फड़ ले गया पागल हट हट खड़ जाओ फिर एरा नाम की गया भोली 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 हटते नहीं तुसी बहू हाय खड़ जाओ फिर खड़ जाओ खड़ जाओ खड़ जाओ हट जाओ खेडना तुसी तू पिछे दी कित्थों आ हट जाओ। तो देखो फ्रेंड्स अमरिंदर पवा रहा भंगड़ा वह तो वह साहू जहा बेचारा डर जाता है। फ्रेंड्स शाम के बाद चुके ने छे तो रहरा साहब जी का हो गया टाइम तो हूँ करते हैं पाठ तो उस तो बाद बनाई है रोटी तो मिलते हैं थोड़ा फ्रेंड्स नैक्सट ब्लॉग इदा ही कुछ हूँ मेरे रेगूलर ब्लॉग आने पक्का प्रोमिस क्योंकि हूँ मैं फ्री हाँ। तो बस फ्रेंड्स हूँ मिलते हैं आप नैक्सट ब्लॉग तो तुम प्लीज़ अपनी सपोर्ट बना के रखियो। अज का ब्लॉग कुछ खास नहीं सी मैंने पता है बस मैं थोड़ा मिलना सगा मैं क्या मेरी यूट्यूब फैमिली को काफ़ी दिन हो गए मिल नहीं होया इसलिए मैं अज का ब्लॉग थोड़े लिए बनाया सगा स्पैशल। तो फ्रेंड्स थोड़ा हूँ मिलेंगे नैक्सट ब्लॉग प्लीज़ अपनी सपोर्ट बना के रखियो वाहेगुरु जी सारे चढ़ती कला च रख। तो मिलते हूँ आप कल अमरिंदर बड़ा सीरीयस होया बाय कर दे सत श्री अकाल जी।